ये रिजल्ट देख रहे हो आप, ये रिजल्ट मैंने कैसे किया और कैसे कैसे हुआ, स्टेप टू स्टेप देखना चाहते हो, बिल्कुल दिखाते हो। ओके, स्टार्टिंग करते हैं स्टार्ट से। Hey guys, welcome back to the P Square Salon. गुनीत आई है सेक्टर 18 18 18 द्वारका सेक्टर 18 से, ये पास में ही हमारे, ठीक है। और इनके हेयर देखो बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, बिल्कुल ही, कुछ इन्होंने मेहंदी लगा रखी है, कुछ इनको मेडिकल इशूज है, जो भी है वो सिर्फ चलती रहेंगी, ऐसे कोई इशूज है तो वी हैव टैलेंट, हमारे पास एक हुनर है जो उनको ठीक करता है, टेंशन मत लीजिए। It's called moisture therapy, salon special professional. पहले गुनीत मैडम से मिलवा देते हैं। Hi to the camera, madam. Hi. Hey, ये इनके हेयर हैं, थोड़े से ड्राई, थोड़े से डैमेज, थोड़े से फ्रिजी हो गए हैं। हम इनको अच्छा करने वाले हैं। कैसा करने वाले, मैं आपको हेयर पहले दिखा दूं। मैम के हेयर देख लीजिए आप, ठीक है। वी आर गोइंग फॉर मॉइस्चर थेरेपी, राइट। तो उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर मीन्स थोड़ी सी क्वालिटी आएगी, थोड़े से बाल सीधे होंगे, थोड़े से अच्छे भी होंगे। तो ये सब कैसे कैसे होने वाला है, स्टेप टू स्टेप देखने वाले हैं। ये रही हेयर कंडीशन, मिलते हैं। और एक बात, अगर आपको इनका बहुत अच्छा बिफोर आफ्टर देखना है तो इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर देखें। ये रही इंस्टा की लिंक, यहाँ पे साइड में दिख रही है ना, हर वीडियो में होता है। ओके, और आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो हमारी कोई भी यूट्यूब की वीडियो उठा, उसमें नंबर लिखा हुआ है, लोकेशन है दिल्ली द्वारका, आ जाइए जल्दी। हे गाइस, तो हम कर रहे हैं हेयर वॉश। हेयर वॉश क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है किसी भी ट्रीटमेंट में, कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई सा भी ट्रीटमेंट, हेयर वॉश मैंडेटरी है। इवन अगर आप नॉर्मल सा हेयर कट भी कर रहे हैं तो हेयर वॉश करके करेंगे तो हेयर के अंदर मॉइस्चर, नेचुरल मॉइस्चर, पानी वाला मॉइस्चर आता है, जिसकी वजह से हेयर थोड़ा खिल जाता है और एक्चुअल में आ जाता है। ये देखिए एक्चुअल टेक्चर आता है, उसके बाद आप काम कर पाते हैं। इससे डस्ट भी बाहर आ जाता है, सारा सारा डस्ट पॉल्यूशन सब बाहर आएगा, उसके बाद आपको कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए ईजी रहेगा, रिजल्ट भी बहुत परफेक्ट आएगा। ओके, मिलते हैं स्टेप टू स्टेप। ओके बाय। सो गाइस, बिल्कुल रब करके देख रहे हो स्कैल्प को, कितना रब कर रहे हैं, बिल्कुल स्कैल्प के रूट्स के पास जितना भी ऑयल है सब हम निकाल लेंगे बहुत तरीके से और शार्पली, बिल्कुल क्लीन करके फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मॉइस्चर देना है हमें। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखो ड्रायर करने के बाद से। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमने ड्रायर कर लेंगे वॉश करने के बाद, और ये रहा हमारा मॉइस्चर थेरेपी का फर्स्ट ट्रीटमेंट यार, और क्या होगा, फर्स्ट क्रीम कह सकते हो, फर्स्ट एप्लीकेशन कह सकते हो। इसको लगाएंगे ड्रायर करके, ओके, सूखे बालों पर लगेगी। अब करते हैं कैसे कैसे होता है देख लो। तो तरीके से हम ड्राई करेंगे, स्ट्रेट ड्राई करेंगे, फिर हम इसके अंदर स्टेप टू स्टेप वर्क करेंगे। ओके, सच में ये देखो कितने ज्यादा आपका ब्रेकेज था, जिसको आप अभी तक हेयरफॉल सोच रहे थे ना, वो लिटरली ब्रेकेज था आपका सारा ही। yes. देखो जो मैंने बताया था, ये सारे टूट कर गए हुए बालों का बचा हुआ हिस्सा, ये ब्रेकेज का इम्पैक्ट है। ये ब्रेकेज से जिनको आप सोचते हो ना कि ये रीग्रोथ है, बाल झड़ने के बाद जीरो से फिर उगकर आए हैं, अब मानो इतने सारे बाल यहाँ पे हैं ये, और ये ऑलमोस्ट एक ही लेंथ के हैं, तो ये एक साथ झड़े भी होंगे, तो यहाँ से कभी इतना एरिया तो आपको ब्लेंड गंजा तो नहीं दिखा ना मैडम, एक साथ नहीं दिखा ना, तो नहीं दिखा तो इसका मतलब है कि टूट कर गए हैं। ओके, तो ब्रेकेज ब्रेकेज होता है, हेयरफॉल हेयरफॉल होता है। तो अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि मॉइस्चर थेरेपी विदाउट केमिकल है, हम तो हम रूट्स पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भर भर के लगाएंगे, और जितना भी प्रोडक्ट लगेगा सारा धीरे धीरे ना मॉइस्चर में चेंज होता जाएगा। देखो कोम मारते आधे से ज़्यादा गायब हो गया ना प्रोडक्ट, ये व्हाइटिश जो है सारा ब्लूइश टिंच में जो भी रहता है हल्का फुल्का, ये अंदर वेपोरेट, अंदर अब्जॉर्ब होता है इसके अंदर, हेयर के अंदर, ठीक है। नीचे वाले सेक्शन आप देखते रहोगे कि वो जैसे ऊपर वाला ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ही आपको वर्क करना है, बहुत ईजी रहता है सारा काम। अब ये देखो स्टेप टू स्टेप हम कर रहे हैं, तो ये हो गया है प्रॉपर स्टेप टू स्टेप में ही प्रॉपर मॉइस्चर देना है आपको ना, कभी भी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कंजूसी, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, हर चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ में आपको किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर कंजूसी मत करिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी और काम ख़राब। एटलीस्ट आपको अमाउंट में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट जितना चाहिए हेयर को उतना नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी ट्रीटमेंट में। ओके गाइज, अब अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, वॉश करके कलर लगाएंगे, कलर देखते हैं कैसे कैसे लगेगा, आप देखिए प्रॉपर, क्योंकि मैम की डिमांड आ गई थी बीच में कलर की एकदम से, कि मुझे अपने सारे बाल ना हीना निकालने के बाद बिल्कुल इवन भी चाहिए, और मॉइस्चर करवाने के बाद भी मुझे बिल्कुल बाल काले भी चाहिए, मतलब नेचुरल शेड में चाहिए। तो क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है आपको प्रॉपर हम स्टेप टू स्टेप दिखाएंगे, ये देखते रहिए। अब सीधा कलर करेंगे, वॉश करके हम ले आए हैं, तो रूट से स्टार्ट करेंगे कलर हम। ये देखिए रूट से हमने कलर स्टार्ट कर दिया है, सबसे पहले रूट टचअप कर दिया है, सिर्फ चार नंबर का रूट टचअप, और चार नंबर में हल्का सा तीन नंबर हमने डाला है, और बाकी लेंथ पे पूरे पे चार नंबर लगाएंगे, क्योंकि चार नंबर ऑटोमेटिकली लास्ट में जब हम इसके अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देंगे मॉइस्चर वॉइस्चर डाल के, तो हल्का सा वो हल्का सा पॉपअप होता है, बिल्कुल हल्का सा, तो चार के आसपास ही रहेगा लास्ट में फाइनल देखोगे, लेकिन हल्का सा चमक आ जाती है ना, बाल जब क्वालिटी वाइज बढ़ जाता है तो उसके अंदर चमक आ जाती है, तो हेयर कलर भी चमकने लगता है, तो आपको लगता है कि वो लेवल लिफ्ट हो गया, लेकिन इतना भी नहीं होगा। नीचे वाले आप ब्राउनिश टिंच देख सकते हो, और ये सारे ब्लैकिश में आ जाएंगे, मैम की आईब्रो से मैच, बेस शेड की हमने कमेंटमेंट दी थी मैडम को, मैम को भी चाहिए था मुझे डिसेंट और सिंपल लुक दो,
तो हमने डिसेंट और सिंपल लुक दे रहे हैं, प्रॉपर कलर वगैरह हम लगा रहे हैं, आपको दिख ही रहा है। पहले रूट्स को इसलिए कवर किया कि ताकि बिल्कुल तरीके से हो जाए, रूट्स के बाद हमने पूरे लेंथ पे हम लगा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। आप देखिए कितना फाइनली वर्क हो रहा है, कोई इशूज़ ही नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो ये पूरा होने के बाद क्या क्या और कैसे कैसे होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। ओके, ये देखिए कितना फाइनली तरीके, अगर पहले हमेशा रूट पे कर दीजिए अगर आपको पूरा ग्लोबल करना है ना, क्योंकि लेंथ जब आप लेते हो लेंथ के लिए आप थोड़ा सा थिक सेक्शन ले लेते हो, थिक सेक्शन मतलब मोटा सेक्शन, फिर रूट्स पे तरीके से आ नहीं पाता, इसलिए हमेशा पहले रूट टचअप की तरह टचअप करिए, फिर आप उसको ग्लोबल में कन्वर्ट करिए। ओके गाइस, ऑलमोस्ट प्रोसेस पूरा हो गया, लास्ट सीलर रह गया, मोशन थेरेपी का सीलर रह गया। मैम की एक डिमांड आ गई थी कलर की, तो कलर किया मैम को, इवन टोन दिया है क्योंकि मैम के पास हीना का शेड था, मैम के पास व्हाइट कलर का शेड था, मैम के पास ब्लैक कलर का शेड था, कुछ ऑरेंज हो रखे थे, तो मैम का जो इंद्रधनुष था हमने एक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसको रैम्बो को एक ही में कन्वर्ट कर दिया। तो अब उसके बाद सीलर लगेगा, वो कल लगेगा मैडम, कल आएंगे, मैम को थोड़ा सा हरी है, ठीक है, तो लगाते हैं अभी, आपको दिख गया, वॉश करके दिखाते हैं आपको कैसा लगता है। सो गाइस, कलर को हम वॉश कर लेते हैं, कलर हुए हमारा पूरा टाइम हो गया है, तो कलर प्रॉपर आ भी गया है हेयर के अंदर, 100% कवरेज के साथ आया है। हालांकि ब्लैक कलर आपका नेचुरल शेड में है, तो 100% कवरेज कहीं पे भी हो जाती है, इजीली हो भी जाती है, और बस ये थोड़ा सा और चमकने लगेगा, थोड़ा सा और सेटल दिखेगा आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये देखिए दी नेक्स्ट डे, सो नेक्स्ट डे के बाद मैडम आई है, तो हम सबसे पहले वॉश कर लेते हैं, क्योंकि कलर के ऊपर बैक टू बैक हम इतने ट्रीटमेंट नहीं करने चाहिए, बैक टू बैक नहीं करना चाहिए, और मैम के पास टाइम भी नहीं था उस टाइम, मैम थोड़ी सी जल्दी में थी, तो हमने नेक्स्ट डे के लिए उसको कंसिडर कर दिया। वैसे अगर कलर नहीं होना होता तो सेम डे में आप फ्री थे, राइट। अब ये सीलर लग रहा है उसका, जो हमने लगाया था मॉइस्चर का सीलर है, उसको सील कर देता है मॉइस्चर, उसको अंदर अंदर लॉक कर देता है, वेट बना देता है हेयर के अंदर, ये सारे काम ये करता है। तो कैसे कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं, प्रॉपर स्टेप टू स्टेप लग रहे हैं बिल्कुल फाइन तरीके से, और मॉइस्चर का सीलर हो या फिर कुछ भी हो, और वैसे तो नॉर्मल कोई भी ट्रीटमेंट हो आपको फ्रंट को देखते हुए चलना चाहिए, राइट। फ्रंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर में हो या किसी चीज़ में भी हो, ट्रीटमेंट भी हो, फ्रंट को बहुत शार्पली बहुत श्योरली तरीके से करा करिए आप, अगर फ्रंट में अप एंड डाउन हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्रंट के हेयर ना हल्के से वीक होते हैं बैक के अकॉर्डिंग, बैक के हेयर बहुत थिक होते हैं बैक साइड के, तो वहाँ पे टाइम चीज़ें अप एंड डाउन रहे अब उसकी दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा हमारा सीलर लग गया, सीलर के बाद हम इसको बस हल्का सा ड्रायर और प्रेसिंग करके इसको फाइनलाइज़ कर लेते हैं, जितना भी और पेनिट्रेट होना होगा हो जाएगा, राइट। ये बैक साइड में देख रहे हैं टूटे टूटे से बाल मैडम के, ये मैम ने जहाँ पे भी ट्रीटमेंट कराया था जो भी करवाया था बिल्कुल फ्रिजाइज हो जाती हैं चीज़ें, या जो भी करवाया हुआ है ये रीग्रोथ है या ब्रेकेज है या एक्सेस में ध्यान ना रखने की वजह से उनकी वजह से हो जाती हैं चीज़ें। तो अब प्रॉपर तरीके से प्रेसिंग करने के बाद आपको मैं वॉश करने के बाद फाइन मैडम से ही बातें कराएंगे, मैम जो आपको मैम ही बताएंगी, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैडम द्वारका सेक्टर 18 से आई हैं, तो जो भी इनसे हुआ है या श्योरिटी जो भी बालों के अंदर रफनेस थी वो आपको कैसी कवरअप दिखती है आफ्टर वॉश, वॉश के बाद आपको दिखाता हूँ मैं कैसा आया है फाइनल लुक, ड्रायर लुक दिखाएंगे, जस्ट हमने रिंस आउट किया वॉश में, यहाँ पे शैम्पू जो है वो नहीं हुआ है। अब मैम से करते हैं बातें, आपको लाइव टू लाइव मिलाते हैं मैम से। ओके गाइस, चलो मिलते हैं मैडम से बातें करते हैं। हे गाइस, देखते हैं फाइनल लुक कैसा है, ये देखिए एक एक हेयर बिल्कुल सिल्की हो गया, मैम से पूछ लेते हैं मैम को कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव फॉर दिस, मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं है मेरे बाल इस टाइप के हो सकते हैं, थैंक यू सो मच। और देख लेते हैं कैसा लग रहा है, एक बार आप देख लीजिए अपने हाथ। थैंक यू, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ऐसे हो सकते, यकीन नहीं हो रहा, और आपको भी यकीन नहीं होगा, एक बार आओ तो सलून, पी स्क्वायर सलून फॉर मॉइस्चर थेरेपी। थैंक यू।